वेलकम टू गौरव कार टेक। आज हम देख रहे हैं किया EV6। ये ईवी कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार, और 75 लाख का टॉप वेरिएंट और 65 लाख का इसमें एक वेरिएंट और मिल जाता हमें। ये जो आप देख रहे हैं 75 लाख का है, टॉप ऑफ द लाइन। कुछ इस तरह से LED बेस हेडलैम्प मिल जाते हैं, सराउंडिंग आपको DRLs मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाएंगे, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट मिल जाएंगे, अडास लेवल 2 मिल जाता है, रडार मिल जाती है नंबर प्लेट की जगह, नंबर प्लेट के नीचे देख रहे होंगे जो लोअर ग्रिल है। फॉग लैंप इसमें नहीं मिलते, कुछ इस तरह का फ्रंट मिलता है हमें देखने के लिए गाड़ी का। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो 19 इंच के इसमें अलॉय मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें तो 235/55/19 का टायर मिलता है हमें। फेंडर का पार्ट बहुत कम दिया गया है इसमें, देखिए आप ध्यान से। अब वहीं देखेंगे तो ए पिलर हमें इसका ग्लोसी ब्लैक फिनिश में मिलेगा, रूफ भी इसकी ग्लोसी में मिलेगी, ये सनरूफ है, बाकी पार्ट सेम बॉडी कलर मिलेगा। ORBM है, 360 डिग्री व्यू कैमरा नीचे, ORBM ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर। कुछ इस तरह से साइड व्यू भी देख सकते हैं गाड़ी का, साइड प्रोफाइल भी। 178 NM का इसमें हमें MM का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, नीचे भी कुछ ग्लोसी ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा डोर्स पे आपको, और ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm का इसमें हमें मिलेगा। अब वहीं साइड डोर वेडिंग प्लेन मिलेंगी, वी पिलर ग्लोसी में मिलेगा। अब एक बार रेयर लुक और दिखा देता हूँ आपको गाड़ी का, जो रेयर ब्रेक है वो भी हमें डिस्क में मिलेंगे, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क रहेंगे इसमें। अलॉयज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और जो रेयर टेल एम का पार्ट है वो देख रहे होंगे रेयर फेंडर तक आ रहा है। और अब चलते हैं साइड प्रोफाइल से, अब आ जाते हैं रेयर प्रोफाइल पे। तो यहाँ आपको जो टेल लैंप पर देंगे पूरे टेल गेट पर सराउंडिंग मिलेगा आपको, ये इंडिकेटर, और यहाँ पे आपका ये चार्जिंग पॉइंट, खोल कर दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ से पुश करेंगे, इसे प्रेस करने से खुल जाएगा। फास्ट चार्जर आपका ऊपर की साइड मिलेगा और नीचे स्लो चार्जर के लिए, और फास्ट चार्जर से ये 30 मिनट में फुल चार्ज होती है। यहाँ से प्रेस करने से ये कैप इसकी बंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ GT लाइन की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, बूट पे भी कुछ आपको ग्लोसी ट्रीटमेंट मिलेगा नीचे, LED टेल लैंप देख सकते हैं, टेल गेट पर पूरा आ रहा है इसका किया का न्यू लोगो। सराउंडिंग देखेंगे यहाँ तक पूरे पे ही आपको टेल लैंप देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे EV6 की ब्रांडिंग। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए हैं, नीचे भी कुछ आपको, और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की जगह यहाँ भी आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, ग्लोसी ब्रेक ट्रीटमेंट देखने के मिलेगा रेयर बम्पर पे, ये सेंसर्स देख सकते हैं आप। और अब वहीं आ जाएंगे को ड्राइवर साइड प्रोफाइल पे। तो पहले उससे आपको दिखा दूं कि जो इसका रेयर ग्लास है, यहाँ हमें डिफॉगर देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप नहीं है इसमें, बट स्पॉइलर मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना, बाकी रूफ आपको जो सेम बॉडी कलर रहने वाली है दोनों वेरियंट्स में, टॉप में भी और उसमें भी, नीचे वाले में भी। इससे यहाँ पे भी आप ORBM पर देखेंगे तो आपको 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा दिखने को मिलेगा, को ड्राइवर साइड भी, या आपका सनरूफ। जैसे ही यहाँ से एंट्री करेंगे को ड्राइवर साइड से, मेरिडियन के स्पीकर्स मिलेंगे इसमें आपको, और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरिडियन बैजिंग की हुई है। ये आपका एम्बियंट लाइटिंग देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने असेंबल की हुई है, इसके अंदर प्लेस की हुई है अच्छी, काफ़ी बढ़िया में ड्राइवर फ्रंट डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको इंफोटेंट सिस्टम वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आप मेमोरी सेट करते हैं सकते हैं सीट्स की ड्राइवर डोर पे, या आपका ORBM कंट्रोल यूनिट, चारों पावर विंडो, ये डोर एक्सेस हैंडल, मेरिडियन का स्पीकर, यहाँ पर ब्रांडिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आपको सीट्स मिलेंगी, यहाँ से आप स्लाइड आगे पीछे भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। लेदरेट सीट्स मिलेंगी, प्रो हेडरेस्ट मिलेंगे इसमें आपको, यहाँ आपका डिस्प्ले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेल गेट खोलने के लिए ये आपका जो चार्जिंग पॉइंट है उसे कैप खोलने के लिए, यहाँ पे ट्विटर प्लेस किया हुआ है, कुछ इस तरह का स्टेयरिंग मिलेगा हमें, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, स्टेयरिंग आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलेगा आपको, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेंट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। इंफोटेंट सिस्टम तकरीबन 12 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है हमें, या इंफोटेंट कंट्रोल यूनिट लेफ्ट में, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल यूनिट है लेफ्ट में, जहाँ क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट ड्राइव वगैरह देखने को मिलेगा, किया की ब्रांडिंग। टोटल 10 एयरबैग्स मिलेंगे, ये आपका इंफोटेंट कंट्रोल के मोड्स,
ये आपका कुछ इस तरह की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। 12 इंच का आपको इन्फोटेन सिस्टम मिलेगा, 64 कलर की इसमें एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी। यहाँ आपका हजार लाइट का बटन, दो एसी वेंट, वहीं नीचे देखेंगे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट एसी वेंट्स के नीचे, जहाँ से आप इन्फोटेन सिस्टम की भी कंट्रोल यूनिट दी गई है टच में। ये आपका दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जो स्टेयरिंग है वो भी वेंटिलेटेड मिलेगा आपको। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये आपका रनिंग रन न्यूट्रल ड्राइव मोड, फ्रंट पार्किंग कैमरा ऑन ऑफ के लिए, ये वायरलेस चार्जर, आर्म रेस्ट विद रेस्ट स्पेस, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाते हैं। यहाँ पे दो वाइट रीडिंग लाइट्स, ये सनरूफ कंट्रोल, पैनारोमिक सनरूफ मिलता है हमें इसमें, काफ़ी ठीक ठाक है गाड़ी के अकॉर्डिंग देखने में। कुछ इस तरह का ग्लोब बॉक्स मिलेगा, काफ़ी स्पेसियस है, कूल्ड है और लाइट भी मिलेगी इसके अंदर। इस साइड वेंटी मिरर मिलेगा विद लाइट को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड भी सनवाइजर में आपको वेंटी मिरर मिलेगा विद लाइट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, फ्रंट देख सकते हैं कि ड्राइवर फ्रंट कैसा है गाड़ी का, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, अट्रैक्टिव लुक है, और आने वाले टाइम में